नमस्कार, मैं आपके साथ हूँ संजीव शंकर तिवारी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल क्रिएटिव सेस में। आज की ये वीडियो विक्रेता बंधुओं को एक छोटी सी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए बनाई है। अगर आपके गोदाम का रियल स्टॉक वॉश मशीन के वर्चुअल स्टॉक से मैच नहीं करता है, बराबर नहीं है, तो उसे आप 15/3/2021 तक बराबर कर लीजिएगा। इसके बाद जांच आ सकती है, और अगर जांच में आपका रियल स्टॉक और वर्चुअल स्टॉक मिसमैच पाया जाता है तो आपके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। अगर आपके थोक विक्रेता ने आपको ये बात नहीं बताई थी तो अब इस वीडियो से जान करके आप इस बात पर ध्यान दीजिएगा और अपना स्टॉक बराबर कर लीजिएगा, जिससे आपको किसी भी दिक्कत का सामना ना करना पड़े। अगर आप ये जानने के लिए उत्सुक हैं कि ये जांच क्यों हो रही है, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि फर्टिलाइज़र जो भी हम खरीदते हैं, किसान हमसे खरीदते हैं, उन पर हमें सब्सिडी मिलनी होती है, और इसी सब्सिडी को रिकवर करने के लिए कंपनियाँ ये जाँच लगवा रही हैं। ये जाँच इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगले 3 महीने तक खाद की बिक्री बहुत ही कम रहेगी और ग्राहक विक्रेताओं के पास नहीं जाएंगे, तो इस समय जो बिक्री हो चुकी है, रियल स्टॉक में नहीं है, सिर्फ वर्चुअल स्टॉक में बचा है, उसकी सब्सिडी उस कंपनी की उतनी पेंडिंग रहेगी। तो इसीलिए ये खाद बनाने वाली कंपनियां चाह रही हैं कि जो रियल स्टॉक है वही वर्चुअल स्टॉक से मैच हो जाए, जो कि पेंडिंग अमाउंट है वो हमारा सारा रिकवर हो जाए, जिससे हम अगली फसल के लिए खाद की आपूर्ति को पूरा कर सकें। तो आप अपने वर्चुअल स्टॉक को रियल स्टॉक से मैच कर लीजिए, जिससे जांच आने के बाद में आपको किसी भी दिक्कत का सामना ना करना पड़े। इसी छोटी सी जानकारी के साथ मैं लेता हूँ आपसे इजाज़त। मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में और जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, राम राम।